अस्सलाम वालेकुम। सरफेस केमिस्ट्री, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री को। सरफेस केमिस्ट्री पे कम से कम कोई 15 से 20 लेक्चर बनेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल की तरफ लेके जाएंगे। सही है, तो सरफेस केमिस्ट्री सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये बेसिकली केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख विच डील, जो के मुतालिया कर रही होती है, वी डील विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ, किस चीज़ का मुतालिया कर रही थी, स्टडी ऑफ सरफेस, सरफेस फिनोमिना, फिनोमिना, इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस का लफ्ज़ी मतलब होता है सतह। क्या मतलब है? सतह। तो सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है। जैसे आप सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ों को मिलाया जाता है। अगर आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है, तो फिर जाके हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा होता है। एक इसमें पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है सॉल्यूट का, और एक हमारे पास होता है सॉल्वेंट का। ये दो चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। सेम इसी तरह हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन है, जिस तरह यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसी तरह सेम एडजॉर्प्शन है। अब एडजॉर्प्शन क्या होती है, ये बेसिक टर्म है, ये काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, अब व्हाट इज एडजॉर्प्शन, अगर मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर एटम्स किसी भी सतह के ऊपर चिमट जाएं, इस फिनोमिना को, इस मुजाहरे को एडजॉर्प्शन कहेंगे। मसलन मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ एडजॉर्प्शन की, मत नॉर्मल जिंदगी में, जिस तरह ये मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ ना, ये एडजॉर्प्शन है। कैसे? ये जो इंक है सिर्फ व्हाइट बोर्ड की सतह के ऊपर आ रही है, अंदर नहीं जा रही। एक होता है एब्जॉर्प्शन, बी आता है, डी नहीं आता यहाँ पे, यहाँ पे एडजॉर्प्शन है, वो वर्ड है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जहाँ पे है तो कोई भी शय उस चीज़ के अंदर चले जाते हैं। जैसे आप कपड़ा, जो कपड़ा है उसको पानी में डालो, जो कपड़ा है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, एडजॉर्ब नहीं करता। मैं एडजॉर्प्शन इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, मेहंदी लगाते हैं हाथों के ऊपर। अब मेहंदी सिर्फ हाथों की सतह के ऊपर ऊपर अपना कलर छोड़ती है, ये भी एडजॉर्प्शन है, ये भी हमारे पास एडजॉर्प्शन है। सो हमारे पास एडजॉर्प्शन क्या होगा, द फिनोमिना, द फिनो मीना, ये ऐसा मुजाहरा है जिसमें क्या होता है, इन विच मॉलिक्यूल्स, आयंस और एनी स्पीशी, कोई भी शय और हो सकती है, इंटरैक्ट विद द सरफेस, सरफेस ऑफ आ सब्सटेंस, वो मुजारा जिसमें कोई भी शय है सिर्फ सरफेस के साथ इंटरेक्ट करे, जाकर जुड़े, उस फिनोमेना को, उस मुजारे को हम नाम दे देते हैं, इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इसको क्या नाम दे देते हैं, एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन के अंदर जो बेसिक टर्म दो इस्तेमाल की जाती हैं उनको याद रखिएगा, बेसिक टर्म्स। एक हमारे पास बेसिक टर्म इस्तेमाल की जाती है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, और एक बेसिक टर्म इस्तेमाल की जाती है एडजॉर्बेंट,
BENT एड्सॉर्बेंट। मसलन मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। सही, तो हमारे पास ये मैं सपोज करता हूँ हाथ है, तो अंदाजा मैं आ रहा हूँ ओह ये हमारे पास हाथ है। अब हाथों के ऊपर जो मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी का रंग सिर्फ सतह के ऊपर ऊपर रहता है। ये मैंने मेहंदी लगा दी इसके ऊपर, सही। तो ये अब ये जो ऊपर मेहंदी का कलर है, जो मेहंदी हाथों के ऊपर लग रही है, इसको केमिस्ट्री की जुबान में एड्सॉर्बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेट। और यहाँ पे जो हाथ जिसकी सतह के ऊपर कुछ शय आकर जुड़े उसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेंट। क्या नाम दे रहे थे इसको? एड्सॉर्बेंट का नाम दे रहे थे। क्या नाम दे रहे थे इसको? एड्सॉर्बेंट का नाम दे रहे थे। अब एड्सॉर्बेंट की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो हम सिंपल से डेफिनेशन कर सकते हैं कोई भी शहर। अच्छा एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये जो इंक है ये व्हाइट बोर्ड की सतह के ऊपर ऊपर रह रही है, तो यहाँ पर जो इंक है ये एड्सॉर्बेंट होगी। क्या होगी? जो इंक है यहाँ पर ये एड्सॉर्बेंट होगी, और ये जो व्हाइट बोर्ड पूरे का पूरा है ये क्या होगा हमारे पास? एड्सॉर्बेंट। ये क्या होगा हमारे पास? एड्सॉर्बेंट। सही है। तो अब इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो शायद जो किसी भी सतह के ऊपर आके जुड़ जाए, अकामुलेट हो जाए, उसको एड्सॉर्बेंट कहेंगे। द सब्सटेंस द सब्सटेंस वो शायद विच अकामुलेट ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस, जो किसी भी शय की सतह के ऊपर आग जुड़ जाए इसको हम नाम देते हैं इस कार्ड एड्सॉर्बेंट। सब्सटेंस की जगह पर अगर आप यहाँ पर एक थोड़ा सा वर्ड मैं एक्सपेंड करने लगाऊँ, द आयन और मॉलिक्यूल्स, आयन के मॉलिक्यूल जो के आके जुड़ रहे होते हैं किसी भी सतह के ऊपर उसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेंट कहते हैं। एड्सॉर्बेंट किसको कहते हैं? कि जिसकी सतह के ऊपर आके जुड़ रहे हैं। सही। तो नेक्स्ट है द सरफेस वो सतह ऑन विच जिस पर ऑन विच मॉलिक्यूल्स आर अकामुलेटेड वो सतह जिसकी सतह वो शय या वो सतह जिसके ऊपर आके मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पे इंक इसके ऊपर जुड़ रही है तो ये जो व्हाइट बोर्ड होगा ये एड्सॉर्बेंट होगा। सही है। अकामुलेटेड इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैं एग्जांपल दूंगा एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन में मैं आपको ये भी वादा कर दूंगा एड्सॉर्बेंट क्या है और एड्सॉर्बेट क्या है। सही है। तो एग्जांपल्स में सबसे पहले एग्जांपल है, कहता आप एक वेसल लो, एक बंद फ्लास्क ले लो। ये मैंने बंद फ्लास्क ले लिया। इस बंद फ्लास्क में आपने करना क्या है ज़रा गौर कीजिएगा। यह बंद फ्लास्क ली, इसके अंदर रखना है आपने चारकोल, एनिमल चारकोल है या सिंपल चारकोल कह लो। चारकोल यही समझ लीजिएगा जिस तरह कोयला नहीं होता, चारकोल आलमोस्ट वैसा होता है। चारकोल रखना है और इसके अंदर मुख्तलिफ गैसें बंद कर दो। कोई भी गैस आप बंद कर सकते हो, ऑक्सीजन बंद कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बंद कर दो, सही, नाइट्रोजन बंद कर दो, कोई भी गैस आप यहाँ पे बंद कर दो और ऊपर से इसको ढक दो। अगर मैं सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे 100 ग्राम गैस को बंद करता हूँ, सपोज कर रहा हूँ। एक्चुअल में 100 ग्राम बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है गैस की। सही है, ताकि बात समझ में आ जाए। 100 ग्राम बंद करता हूँ, ऊपर से बंद कर देता हूँ, ना बाहर से कुछ चीज़ अंदर जा रही है ना अंदर से बाहर कुछ चीज़ आ रही है। तो
कुछ थोड़े से वक्त गुजरने के बाद ना यहाँ पे होगा क्या कि ये 100 ग्राम हमने इसमें गैस डाली थी, इसमें बाद में जो गैस निकलेगी इसकी मिकदार मे बी 80 ग्राम। अब 20 ग्राम गैस गई कहाँ पे? 20 ग्राम गैस क्या हो गई है? यहाँ पे कम हुई है। तो बेसिकली हुआ ये है कि जो 20 ग्राम गैस है वो इस चारकोल की सतह के ऊपर एड्जॉर्ब हो गई है। क्या हो गया? चारकोल की सतह के ऊपर एड्जॉर्ब हुई है। अब ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, सही है, एग्जांपल है। पहली एग्जांपल हम यही लिखेंगे, डिफरेंट गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ईटीसी आर क्लोज्ड इन अ वेसल, इनको वेसल बंद कर देना, विद चारकोल के साथ, सही है। तो द अमाउंट ऑफ योर प्रेशर ऑफ गैसेज इज डिक्रीज बिकॉज सम ऑफ द गैसेज आर एब्जॉर्ब ऑन चारकोल सर्फेस। द प्रेशर ऑफ गैसेज आर डिक्रीज ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन चारकोल सरफेस चारकोल सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होने की वजह से पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एड्सॉर्बेंट क्या है और एड्सॉर्बेंट क्या है, सही है। यहाँ पे याद रखिएगा, गैसेस आर एड्सॉर्बेट और चारकोल आर एड्सॉर्बेंट, चारकोल एड्सॉर्बेंट है। सेकंड एग्जांपल नंबर 2 ले लो। मैं आपको एक सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। सिलिका जेल है, इसको उमूमन लेदर की जो भी शूज़ हो, लेदर का पर्स हो, उसके अंदर रखा था, छोटी छोटी गोलियाँ आपने देखी होंगी, वो सिलिका जेल होती है। अब सिलिका जेल जो होता है ना, ये इसमें रखा क्यों जाता है कि अगर नमी आके उस शूज़ को या लेदर की शय को लगती है तो उसको उस नमी को एड्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर जो सिलिका जेल है ये भी एड्जॉर्प्शन के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसके तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं? एड्जॉर्प्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, सिलिका जेल इज यूज्ड फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर को एड्जॉर्ब करने के लिए हम सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे इसमें वाटर वेपर्स आर एड्जॉर्बेट एंड सिलिका जेल आर एड्जॉर्बेट। जो सिलिका जेल होगा यहाँ पे एड्जॉर्बेंट होगा। क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे एड्जॉर्बेंट है। अब इसमें नेक्स्ट एक और एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं, सही है। एग्जांपल नंबर थर्ड, शुगर इंडस्ट्री में ना एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, रॉ शुगर। जो हमारे यहाँ शुगर आ जाती है, बच्चे भेज रहे होते हैं, वो बेसिकली रॉ शुगर ही होती है। रॉ शुगर में ना बाद दफ़ा कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, इसकी वजह से रंग ना थोड़ा सा वाइट नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा येलो हो जाता है, सही है। अगर आप शुगर को प्यूरीफाई करना चाहते हैं, उसके अंदर जो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालना चाहते हैं, तो
तो आप शुगर को पानी में हल करके उसके अंदर चारकोल डालते हैं, वो चारकोल क्या करता है उस कलर्ड इम्प्योरिटीज को एड्जॉर्ब कर लेता है, कलर्ड इम्प्योरिटी क्या करेगा एड्जॉर्ब कर लेगा, सही है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गया, कलर्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम रॉ शुगर are absorbed by using, किसका इस्तेमाल करके हम कर रहे होते हैं, by using animal charcoal का इस्तेमाल करके हम colored impurities को absorb कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे colored impurities basically जो है यह adsorbate और animal charcoal is adsorbent, colored impurities are adsorbate और animal charcoal are adsorbent। तो ये चंद एक चीज़ें आपने याद रखनी पड़ेगी, था जी हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है सरफेस केमिस्ट्री का, से एड्सॉर्प्शन क्या चीज़ है। सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ एक चीज़ डिस्कस की है, वो है एड्सॉर्प्शन क्या है, इसमें कौन कौन सी बेसिक टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, सही है, एड्सॉर्बेंट क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल लिए हैं आपने। यहाँ से बेसिकली जो चीज़ याद करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट से अगर इंपॉर्टेंट देखी जाए, मुझे एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन देख लीजिएगा, इसके बाद एड्सॉर्बेंट क्या है, एड्सॉर्बेंट की डेफिनेशन कम अज कम एक एग्जाम्पल आपको ही अपनी नॉर्मल जिंदगी में दे दूँ, सही है। अगर व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ जो इंक है ये एड्सॉर्बेंट है, वो जो व्हाइट बोर्ड है ये एड्सॉर्बेंट है, हाथों के ऊपर मेहंदी लगाते हैं, सही है, जो मेहंदी है ये हमारे पास एड्सॉर्बेंट है और जो हाथ है ये एड्सॉर्बेंट है, सही। आप किसी भी दीवार के ऊपर कोई स्टिकर लगाते हो, स्टिकर उसके ऊपर चिपका रहता है, वो स्टिकर है वो एड्सॉर्बेंट है और जो पीछे दीवार है वो एड्सॉर्बेंट है। आप पेंट करते हो वो सर्फेस के ऊपर रहता है, सर्फेस की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सर्फेस केमिस्ट्री आपकी नॉर्मल जिंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। आप लोहे के ऊपर पेंट कर लो, सेम काम है, सही, लोहा जो होगा वो एड्सॉर्बेंट होगा और उसके ऊपर जो पेंट होगा वो एड्सॉर्बेंट है, सही है। तो आप ज़रूरी नहीं जो बुक के अंदर एग्जांपल्स दी गई हैं आप उसी एग्जांपल को फॉलो करोगे, सही है, आप नॉर्मल जिंदगी में से एग्जांपल नहीं दे सकते, आप नॉर्मल जिंदगी में काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, सही है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन ये दो टर्म है, इन दोनों में फ़र्क करेंगे थोड़ा सा, ये बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सही। याद रखिएगा जो सिंपल सी बात आपने आज के लेक्चर में याद रखनी है वो ये है कि जो एड्सॉर्प्शन है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर होती है, उसके अंदर नहीं जाता, जैसे कलर आप लोहे के ऊपर करते हो, जो कलर है वो लोहे के ऊपर रहता है, लोहे के अंदर नहीं जाता, ये बात आपने याद रखनी है, सही है। तो ये सिंपल बातें जो कि आपने याद रखनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।